कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रशासन के द्वारा संतों की संतुष्टि के लिए सभी कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं इसका जायजा लेने समाचार 24 के संवाददाता ऋतिक अग्रवाल पहुंचे। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। आज इस समय मौजूद है वृंदावन के कुंभ मेला क्षेत्र में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से समाचार 24 की खबर का असर हुआ, संत महात्माओं में भारी आक्रोश था और आज कुंभ के कार्य की गति कितनी तेज कर दी गई है, ये देखते बड़ा ही मन प्रफुल्लित हो रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं प्रशासन इस समय। जिस तरीके से आप कार्य देख सकते हैं बहुत ही तेज गति से चल रहा है। आज हम इस चीज को कह सकते हैं बहुत ही खुशी का पल है कि 16 फरवरी से हमारे वृंदावन में कुंभ लगने जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं पूरी साइड में आज इस जगह पे पूरे बिजली के लट्ठे भी लगा दिए गए हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ मनाने की तैयारियां चल रही है। प्रशासन का पूरा सहयोग है। पहले हमने आपको दिखाया था प्रशासन की धीमी गति को लेकर के, आज हम आपको हकीकत समाचार 24 की खबर का असर दिखाएंगे। किस तरीके से कुंभ में कार्य की गति को तेज कर दिया गया है, पूर्ण रूप से कार्य चल रहा है, पक्के घाट का निर्माण हो रहा है, कुंभ में जगह भी बहुत जल्दी संत महात्माओं के लिए आवंटित कर दी जाएंगी। और इसी बीच अगर थोड़ा सा मासूमियत से अगर कह सके तो प्रशासन की एक कमी आज भी कुंभ में देखने को मिल रही है, जो है यमुना जल प्रदूषित आज भी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना जल कितना प्रदूषित है। यहाँ अभी जिस तरीके से यमुना जल देखा जा रहा है ये आचमन करने योग्य नहीं है, तो इसमें श्रद्धालु स्नान कैसे करेंगे। पर प्रशासन से हम यही उम्मीद लगाते हैं जिस तरीके से कार्य में वृद्धि की है, शायद 16 फरवरी से पहले पहले श्रद्धालुओं को यमुना जल को देखकर कोई उम्मीद की किरण नजर आ सके। आइए हमारे साथ मौजूद है कुछ अखाड़ों के महंत या अखाड़ों से संबंधित व्यक्ति, आइए जानते हैं इनसे ये इनका क्या राय है इस कुंभ की गति को लेकर के। महाराज जी क्या नाम है आपका? अमरदास। आप किस अखाड़े से हैं? हम निम्बार्क संप्रदाय से हैं, चैन बिहारी कुंज से। आपका यहाँ खालसा लगने जा रहा है? लगेगा। तो आप पहले आए थे कुंभ का निरीक्षण करने मेला स्थल का, आज निरीक्षण करने आए हैं, कार्य में आपको क्या वृद्धि नजर आ रही है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। और ये जो यमुना जल की स्थिति देख सकते हैं इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? यमुना जल अभी तो वैसे ही चल रहा है लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। उम्मीद है हाँ। मतलब प्रशासन ने जिस तरीके से कार्य की गति बढ़ा दी है उस तरीके से आप आगे भी उम्मीद जता सकते हैं कि जल्दी ही यमुना जल भी शुद्ध कर दिया जाएगा। शुद्ध हो जाएगा, अभी जल छोड़े नहीं है, इसमें जल छोड़े जाएंगे, जब जो छोड़ेंगे जब बढ़िया हो जाएगा। जैसा कि हमने जाना कि कितने ही प्रसन्न है यहाँ के संत महात्मा, किस तरीके से इस कार्य की गति को लेकर के प्रसन्न है, और प्रशासन से हम यही उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से अब ये कार्य की गति में वृद्धि लाए हैं इसी तरीके से और भी वृद्धि आए और 16 फरवरी से हमारे वृंदावन का कुंभ लगने जो जा रहा है वो बहुत ही भव्य और दिव्य हो, यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एक अच्छी छवि लेकर के लौटे, यही आशंका करते हैं। समाचार 24 देखते रहिए। ऋतिक अग्रवाल के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट। खबरों